तो अस्सलाम वालेकुम, मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक नई चीज़। और ये बनाएंगे हम ऑरेंज। ऑरेंज हम कैसे बनाते हैं, किस तरीके से बनाएंगे, ये हम आपको बस इस वीडियो में बनाएंगे। थोड़ी सी वीडियो में आप बने रहें। ऑरेंज को कुछ इस तरीके से आप कटिंग करें। ऑरेंज में जब बनाते वक्त में अगर आपको कस्टमर शुगर अगर मांगता है तो आप दे सकते हैं, या ऑरेंज में ज़्यादा से ज़्यादा लोग शुगर इसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसीलिए हम भी इसमें शुगर इस्तेमाल नहीं करेंगे। बस आपको हम जूस बना करके दिखाएंगे। और जूस की एक प्रॉपरली एक मशीन होती है, वो मशीन ये है। अगर ऐसी मशीन अगर आपके पास है तो थोड़ा इसको दिखा दें आप मशीन को। अगर आप देखें तो ये मशीन है जो राउंड हो रही है, चालू होने के ऑन होने के बाद किस तरीके से राउंड होगी। यहाँ से हमको प्रेस करना पड़ता है, और प्रेस करने के बाद यहाँ से इसका ये रखने वाली क्लिप होती है, क्लिप लगाना पड़ता है। यहाँ पर हम लगाएंगे। लगाने के बाद इसमें थोड़े हम आइस क्यूब डालेंगे, यानी कि 10 और 12 आइस क्यूब डाल दिया है यहाँ पे कस्टमर को पूरा कोल्ड ड्रिंक। और हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से आप प्रेस करें। आप ये देखें कि जितने अच्छे तरीके से इसको प्रेस करें उतनी ही अच्छी स्पीड से इसका रस निकलेगा। अब ये ऑरेंज का बहुत ही फ्लेवर, ये माल्टा भी बोलते हैं इसे, और ये ऑरेंज एक ख़ास किस्म का ऑरेंज है। ये दुबई में से आता है, मलेशिया से भी आता है, बहुत सारे जगहों से आता है यहाँ पे। हाथों से अपने आराम से इसको प्रेस करें ताकि अच्छे से चलता रहे ऑरेंज। इसे आप खाली करेंगे तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं है, पूरा रस निकल चुका है। ये एक बनकर के रेडी हो चुका है, हम दूसरा लगाएंगे। ये हो गया रेडी। अभी ऐसे ही गिलास को 3 गिलास करके हमको बनाना है। और इसमें भी आइसक्रीम हमारा थोड़ा कम पड़ गया, इसके लिए मैं कटिंग करके दूसरा करना पड़ेगा। ये 2 रेडी हो गए हैं, अभी इसको 3 वाला बनाना पड़ेगा। ये आपका रेडी हो गया, हमने आपको कट करना है। और ये कटिंग करने का मसला यही है कि आप ये जो डेंटल देख रहे हैं, आप इधर से ना कटिंग करें, या कटिंग करेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इसके लिए कभी भी कटिंग करना है तो ऑरेंज को मिडिल से आप कट करें। मिडिल से कट करने का मसला ये है कि ये जो मशीन होती है राउंड मशीन, इसके अंदर जाती है, उसका पूरा रस निकल करके बाहर आता है। अभी देखें कि हमने यहाँ पे ऑरेंज को लगा दिया है, लेकिन पूरा ऑरेंज का जितना भी सारा रस है वो इस तरीके से एक जगह इकट्ठा हो गया है। तो आप इसे बंद करके और ऑफ करके मशीन को, और आराम से आप हल्के हाथों से जब घुमाएंगे तो जो इतना सारा रस होगा वो नीचे निकलता रहेगा। और एक बार और ऊपर आप देखेंगे तो ये जो बड़े बड़े वाले जो इसके हैं वो इसके ऊपर रुक जाते हैं, और ये क्लिप भी होते हैं, क्लिप आराम से उड़ भी जाएंगे वॉश करते वक्त में। आपको यू यूज़ नहीं है, जितना सारा रस है वो रस बस नीचे निकलता है।
और हमने यहाँ पे आइस क्यूब को 10-15 सेकंड में डाल देंगे ताकि ये थोड़ा कोल्ड रहे कस्टमर के लिए। 2 और कट करना पड़ेगा। ये फाइनली बनकर तुम्हारा रेडी हो चुका है और इसमें से जो थोड़े कमती है आप इसमें से राउंड कर करके इसको फूल कर सकते हैं क्योंकि इसमें है भी रस थोड़ा सा निकलेगा। जिस तरीके से इसका पैकिंग होता है अब ये देखिए ऑरेंज हमारा रेडी हो गया है बन करके और ये रहा हमारा तीसरा। दोस्तों इस तरीके से आप ऑरेंज का जूस बना करके आपस में पिए और जो है अच्छी तरीके से बनाए आइस की मदद से ऑरेंज बेहतरीन से बेहतरीन आप रेडी कर सकते हैं। आप ये देख रहे हैं कि हमारा एक कैफे है और ये रेस्टोरेंट पे और कैफे होटल में कभी भी आप जाएंगे तो जूस इस तरीके से बनाया जाता है। जूस के लिए 3 मशीन की बहुत ही खास ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले आपको ब्लेंडर मशीन या ब्लैक टेकर कंपनी का है, एक ब्लैक टेकर कंपनी का ये आपको मशीन बहुत इंपॉर्टेंट करता है। जैसे आपको एवोकाडो बनाना है, मैंगो बनाना, पाइनएप्पल, वाटरमेलन, ऐसे सारी चीज़ें आपको अगर जूस बनाने की मदद से आप इस मशीन से आप यूज़ करते हैं। अगर आपको ऑरेंज का जूस बनाना पड़ता है तो आप ये वाली मशीन को यूज़ करें। कैफेटेरिया के लिए बहुत ही बेटर, ये 3-4 ईयर तक का भी इसमें डिमांड चलता है, इसका अभी भी ख़राब होने का डर नहीं रहता। दूसरा एक ब्लैक टेकर कंपनी की आती है, इसमें कई कैरेट की जूस का मशीन है। अगर आपको जैसे कि किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जूस कैरेट का जूस अगर बनाना है तो इसके अंदर से आप कैरेट डाल करके जूस यहाँ से निकाल सकते हैं जूस से। तो ये सब सारी चीज़ें आपकी जूस के हिसाब से हमने मशीन रखा है। जैसे कस्टमर आते हैं इस हिसाब से हम लोग को जूस कराना पड़ता है। अभी हम हमने आपको दिखाया कि वाटर ऑरेंज कैसे बनाते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, इस तरीके से एक और वीडियो लेकर आएंगे। चलते हैं, मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।